अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टीम इंडिया के एक क्रिकेटर का कैरियर सिर्फ दो टेस्ट मैच खेलने के बाद ही खत्म। चीफ सिलेक्टर्स भी नाम भूल गए। हिंदुस्तान ने इस दुनिया को बहुत से अजीम क्रिकेटर्स दिए हैं, कुछ ने बल्ले से और कुछ ने गेंद से अपनी महारत दिखाई। भारत में भी इस गेम के शायकीन की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्रिकेट की इबादत की जाती है। यही वजह है कि बहुत से क्रिकेटर्स को उनके चाहने वालों ने नंबर वन खिलाड़ी का दर्जा दिया हुआ है। अगरचे कुछ खिलाड़ियों का कैरियर तवील नहीं होता। एक ऐसा फास्ट बॉलर जो सिर्फ दो टेस्ट मैच खेल सका, और अब सूरत हाल ये है कि चीफ सिलेक्टर उसे पूछने तक नहीं है। जिस तेज गेंदबाज का जिक्र हो रहा है वो अपनी तेज गेंदबाजी और रफ्तार के लिए मशहूर है। एक वक्त था जब उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में मौके दिए जा रहे थे, ताहम इंजरी और फिर मुसलसल टीम से बाहर रहने की वजह से उनके कैरियर में वक्फा आया। ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि नवदीप सैनी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के खेलने वाले नवदीप सैनी ने साल 2019 में बैन अल-अक्वामी क्रिकेट में डेब्यू किया। 30 साल नवदीप सैनी ने 2019 में T20 के जरिए बैन अल-अक्वामी क्रिकेट का आगाज किया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। उन्होंने इसी साल दिसंबर में अपना वन डेब्यू भी किया। इन्हें टेस्ट फॉर्मेट में खेलने में 2 साल लग गए। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 2021 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खेला, ताहम इस तावील फॉर्मेट में वो अब तक सिर्फ 2 मैच ही खेल पाए हैं। उन्होंने 2 साल कबल आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था जिसमें शेखर धवन ने टीम की कमान संभाली थी। सैनी अपने कैरियर में अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेल सके हैं जिसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। उसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 8 वनडे और 11 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल रखे हैं। उन्होंने वनडे में 6 और T20 में 13 विकेटें हासिल की। वो आखिरी बार जुलाई 2021 में हिंदुस्तानी टीम की जर्सी में नजर आए थे। हाल ही में उन्होंने इंडिया के लिए खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 2 इनिंग्स में 2 विकेटें हासिल की। उन्होंने शान बल्लेबाजी का मुजहरा करते हुए नाकाबिले शिकस्त नीस सेंचुरी स्कोर भी की थी। आपको क्या लगता है कि नवदीप सैनी को इंडियन टीम में वापस आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी अब तक की ताजा तरीन अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।